अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी हैदराबादी स्टाइल। तो हमने 1.5 किलो चिकन लिया है, 1 kg राइस लिया है। इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रहे हैं, 1.5 चम्मच नमक और 3 चम्मच लाल मिर्च और हल्दी नहीं डालेंगे हम, और इसमें अदरक लहसुन 3 चम्मच डालेंगे। तीन चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे, फिर इसके बाद हम गरम मसाला डालेंगे, दालचीनी, शाहजीरा, इलायची, लौंग। लौंग के 4 टुकड़े डालिए, दो टुकड़े दालचीनी के डालिए, 1/4 चम्मच छोटा सा चाय का चम्मच से इलायची डालिए और शाहजीरा थोड़ी सी डालिए, और 3 चम्मच अदरक लहसुन डाल रहे हैं। अभी देखिए ये बन चुका है, मैरिनेट हो चुका है। अब इसके अंदर देखिए गरम मसाला डालेंगे, ये शाहजीरा है, ये दालचीनी है, लौंग है, ये इलायची पाउडर है, ये देखिए प्याज, इतनी सी प्याज लिए हम लोग, ये छोटे थे बल्कि 8 लिए, अगर बड़े रहे तो 4 इंच काफ़ी है। और ये प्याज रेड हो जाना चाहिए। उसके बाद हम ये चिकन में हरा मसाला डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, और थोड़ा डेकोरेशन के लिए रखेंगे। आप चाहे तो प्याज को भी थोड़ा डेकोरेशन के लिए निकाल दे सकते हैं। अब ये अदरक जमा दिए हैं, इसमें दालचीनी, लौंग, शाहजीरा डाल के, और एक हरा मसाला डाल के, हरी मिर्ची डाल के, नमक डाल के, नमक भी डाल देना चाहिए उसमें, डाल के रेडी कर दिए हैं अदरक। और ये 1 kg राइस है, बासमती राइस। अब देखिए हम चिकन डाल दिए हैं और ये चिकन गल गया है। अब इसको हम बड़े भगोने में डाल रहे हैं अच्छे से पकने के लिए। आप चाहे तो कुकर में 1 सीटी दे भी सकते हैं। 13 स्पून्स ऑयल डाला है हमने, आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं। भी देखिए ये अच्छे से पक गया है। ये अदरक रेडी हो चुका है। अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लें बासमती राइस। अब ये अदरक गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल दिए हैं, और इसमें नमक देख लेना चाहिए, नमक कम है या ज़्यादा है वो देख लेना चाहिए। फिर खाना दबा के देखना चाहिए कि खाना गल गया है या नहीं। इसके बाद देखिए
अब ये देखिए अदहन अदहन दम दे रहे हैं, अदहन निथार दिए हैं। अभी पहले हम तेल डालेंगे, तेल डालेंगे हम इसमें से। अभी हम राइस डाल रहे हैं, फिर इसके बाद हम चिकन डालेंगे। अभी अच्छे से चिकन मसाला डालते हैं। अभी हम इसे अच्छे से ज़रा दूर दूर करके फिर हम पूरा सालन डाल देंगे। अभी हम सीधे से वो बचा हुआ राइस डाल देंगे और हरा मसाला डाल देंगे दूध में, चुपटी पर दूध में, चुपटी पर ऑरेंज कलर लेके एक चाय के चमचे में डिप कर देना, करके फिर इसमें डाल देना बिरयानी। देखिए राइस डाल देंगे, अभी देखिए ये हरा मसाला डाल देंगे, इसमें कलर डालेंगे ऊपर दूध में मिला के, और बिरयानी रेडी हो गई है। आप लोग एक बार ऐसा पक्की गोश्त की बिरयानी है ये, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वॉच करिए वीडियोस, और पसंद करें तो लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स में शेयर करिए। बहुत शानदार रेसिपी है ये, ईजी रेसिपी है। अभी हम 20 मिनट आधा दम देंगे, 20 मिनट रख के सिम पे। ये देखिए बिरयानी बन चुकी है और हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए और ट्राई करिए। आप लोग भी बना के कैसी बनती है बोलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।